मुबारक हो शौरी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम कभी मिले ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? वैसे मेरा नाम ईशान है, आपके चाचा मिस्टर कांतिलाल मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन वो तो एक साल पहले ही चल बसे। मुझे मालूम है, उन्होंने एक जायदाद आपके लिए छोड़ी है, उसी के पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन जायदाद हमें क्यों देंगे, उनका बेटा भी तो है मिहिर। ये सब मुझे मालूम नहीं, मेरा जो काम है वही मैं कर रहा हूँ। ये पेपर संभालिए और ये चाबी भेजिए। नहीं यार, कोई सपना नहीं, हकीकत है। अभी वही उस घर के सामने। सच बताऊं तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई अचानक से अपनी इतनी बड़ी जायदाद हमारे नाम कर सकता है। हाँ ठीक है, कल शाम को मिलता हूँ, तुझसे बात करता। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ, क्या देखा तुमने? अरे मामा, क्या है वहां पे? ठीक हो ना? चल। ये नहीं हो सकता। आयशा क्या हुआ? आयशा सॉरी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने घर पहले भी देखा है, सपने में। सपने में देखा है, लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सपने सच कैसे हो सकते हैं? एक बार अंदर चले, तुम्हारा डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ताला कितना अजीब है ना। चाबी मुझे दो। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि ताले कैसे खुलेगा? सॉरी सॉरी, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये जगह पहले भी देखी हुई है। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस घर में एक रात बिताना इतना भारी हो रहा है, उस घर में हम लोग रहेंगे कैसे? बचाओ दीदी, बचा लो मुझे प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दीदी मुझे छोड़ दो प्लीज। को नहीं हो रहा, बचाओ मुझे। तो बार बार मुझसे मदद मांग रही है। दीदी प्लीज मुझे बचाओ, दीदी बचाओ, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, दीदी दीदी प्लीज मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, दीदी दीदी मुझे बचाओ, दीदी कौन है? आवाज उधर से आ रही थी। आवाज यहां से आ रही है। बाहर निकलो।
अजीब बात है, अगर तुम लोग यहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे तो तुम्हें इस घर के बारे में पता कैसे था? और यहाँ पर कोई था, मैंने परछाइयाँ देखी है सर। परछाइयाँ यहाँ पर? हाँ सर, और किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी। जैसे मैंने परछाइयों का पीछा किया, यहाँ आके देखा कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। परछाइयाँ, कोई बोल रहा था, मतलब कोई लोग यहाँ पर थे, तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर। ये घर तुम्हारा ही है ना? ये घर हमें हमारे चाचा ने दिया सर, वो अभी दुनिया में नहीं है सर। हम तो यहाँ पहली बार आए सर, आज से पहले कभी भी नहीं आए। मगर आयशा कह रही है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। अब तक कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर पहले कभी आए ही नहीं, और अब कह रहे हो कि आयशा को लग रहा है कि वो यहाँ पर पहले कभी आई है। चाचा ने तुम्हारे नाम पर ये घर कर दिया। उस घर में मिलता है एक कंकाल, एक मुर्दा, हमें शक है कि इसका खून हुआ है यहीं पर, समझे? खून? और जानबूझकर इसकी लाश को यहाँ पर छुपाया गया था। तुम्हारे चाचा के रिश्तेदार कहाँ पर है? हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, बुलाओ जरा। मैंने अपने चचेरे भाई मिहिर को कॉल किया सर। सर, एक्सक्यूज मी सर, इस घर में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हाँ, जगह जगह उंगलियों के निशान जरूर मिले, वो भी अलग अलग, उन सबको मैंने उठा लिया सर। ग्रेट सर, दरवाजे के पास एक बड़ा सा मेज, उस पे वॉल बेल रखी हुई थी सर, और उसके पीछे दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ है। वॉल बेल है, बोर्ड है। मुझे तो लगता है पहले ये किसी का घर नहीं था सर, ये एक गेस्ट हाउस था। पूरा कंकाल है सर, सारी हड्डियां सही से फिट हो रही है सर, लेकिन सिर की कुछ हड्डियां गायब। और सर, ये मरने वाली एक औरत थी। मरने वाली औरत है और उसके सिर की हड्डियां गायब है। क्यों शौर्या जी? आयशा, क्या चक्कर है ये? आप हमें इन सब में मत फंसाइए सर। सर, मैंने आपको बोला ना कि ये घर मुझे मेरे चाचा ने दिया था। शौर्य, ये सीआईडी वालों से क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मिहिर? तो तुम मिहिर हो, शौर्य के चचेरे भाई? ये सर, ये घर तुम्हारे डैडी का था ना? नहीं सर, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ सर, और अगर ऐसा कुछ होता तो सर डैड मुझे जरूर बताते। और शौर्य, तुम ये क्या बता रहे हो कि डैड ने ये घर तुम्हारे नाम पे लिखा है? तुम चाहो तो मैं घर के पेपर्स दिखा सकता हूँ तुम्हें। दिखाओ हमें वो पेपर। सर, हाँ सर, ये देखिए मिहिर, ये तुम्हारे डैड का साइन। सर, ये पेपर्स इसके डैड ने अपने वकील मिस्टर ईशान से बनवाए थे सर। शौर्य, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है सर, डैड का इस नाम का कोई वकील था ही नहीं, ये पेपर असली नहीं हो सकते सर। फ्रेडी, विवेक, एक काम करो, घर को सील कर दो और पता लगाओ इस वकील ईशान के बारे में। शौर्य कहता है कि ये पुराना घर उसे उसके चाचा ने दिया, मगर उसके चाचा का बेटा मिहिर कह रहा है कि उसके पिताजी का ये घर था ही नहीं, ना उसके पिताजी का कोई वकील था ईशान नाम का, जिसने इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाए। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई इतनी कीमती प्रॉपर्टी शौर्य को देगा ही कैसे और क्यों? हाँ सर, ऐसे हो ही नहीं सकता, बिना जान पहचान के कौन ऐसे ही करोड़ों की जायदाद फेंक के जाएगा? कोई ना कोई कनेक्शन है सर, पुराने घर का मालिक जरूर जानता होगा इस शौर्य को या फिर आयशा को। मुझे तो लगता है दया, ये आयशा ही हो सकती है, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है, और फिर ये हड्डियों का ढांचा भी तो उसे ही मिला था। और सर, उसने परछाइयां भी देखी है, किसी के बोलने की आवाज भी सुनी है। अगर उसने कुछ देखा है या कुछ सुना है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि कहानी क्या है इस घर की? कहानी बड़ी गंभीर है दया, अगर हमें ये पता चल जाए ना कि इस घर का असली मालिक कौन है तो सारे पत्ते खुल जाएंगे। काम करो दया, किसी भी हालत में पता लगाने की कोशिश करो कि इस पुराने घर का असली मालिक कौन है। यस सर। सर, अबे वो जो हड्डियों का ढांचा हमें मिला था उस घर में से, हाँ, उस औरत की उम्र 25 और 30 साल के बीच में थी सर, और डॉक्टर सालुंके ने यह भी बताया था कि उसके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये रिपोर्ट सर। तो सालों के लिए उसका चेहरा बनाया? सर, वो कह रहे थे कि चेहरा तो बनाना मुश्किल है क्योंकि चेहरे की सारी हड्डियां टूटी हुई है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर कि वो औरत थी कौन और उस घर से क्या संबंध था उसका? एक रास्ता है फ्रेडी, एक रास्ता है। आयशा कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है, लेकिन वो हमें ठीक से बता नहीं पा रही है। अगर हम उसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें और उसके दिमाग का इलाज कर दें तो शायद उसे याद आ सकता है कि क्या हुआ था पहले।
उस पुराने घर में। सर ये टेस्ट करना जरूरी है, मैंने तो सब कुछ सच सच बता दिया है आपको। देखिए ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आयशा जरूर जानती है उस घर के बारे में, और अगर इस केस की जड़ तक हमें पहुंचना है तो आयशा के दिमाग में घुसकर वो राज जानना बहुत जरूरी है। सोचो उस पुराने घर के बारे में, सोचो उस घर के अतीत के बारे में, जरूर तुम कुछ ना कुछ जानती हो, बताओ क्या है वो राज। हाँ, मैं उस घर में जा रही हूँ, बहुत डरावना है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, उस घर के दरवाजे की तरफ जाओ, धीरे धीरे। अब क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। आयशा कौन है वहां पर? एक औरत है। और क्या दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कॉरिडोर में भाग रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? उस औरत के पीछे भाग रहा है, वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? उस घड़ी को गौर से देखो, क्या वक्त हुआ उसमें? 8:45 और तारीख? 9 अगस्त। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रिलैक्स, लंबी सांस लो, उस घर से धीरे धीरे बाहर आ जाओ। मुझे लगता है आयशा ने एक औरत का खून होते हुए देखा है। सर जो हड्डियों का ढांचा मिला था हमें उस घर में से, वो भी तो एक औरत का था, शायद ये वही औरत होगी। हो सकता है आयशा ने ये जो पुराने घर के स्केचेस बनवाए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे असली घर के, देखो। और घड़ी के कांटे 8:45 पर रुके थे और तारीख 9 अगस्त थी। सर पिछले 10 सालों में इस तारीख को क्या क्या हुआ है हमने चेक कर लिया सर। तो क्या पता चला? सर इस उम्र के जितने भी औरतें गायब हुई हैं, या तो वो औरतें वापस आ गई है या फिर उनकी लाश मिली। तो फिर सर आयशा ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था, किसी ने उस औरत के गायब होने की रिपोर्ट कैसे नहीं लिखवाई? वही तो। और तो जब उस औरत का खून हो रहा था तब आयशा वहां पर कर क्या रही थी? और अगर आयशा सब कुछ जानती है तो खूनी उसे भी मार सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें आयशा पर नजर रखनी चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर दया, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ पता चल गया। ओके 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 ठीक है, तो आप मेल कर दीजिए हमें। ओके थैंक यू सर। इस पुराने घर के असली मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? विवान नाम है साधने का। विवान? विवान विवान ये घर आप ही का है ना? घर तो मेरा ही है सर, लेकिन ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, शौर्य आयशा, इनको मैं नहीं जानता, इनका तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अगर तुम शौर्य और आयशा को जानते नहीं हो तो फिर इस घर के पेपर जो शौर्य के नाम पर है उसका क्या है? ये आ, ये पेपर नहीं है सर, मैंने कोई घर किसी को नहीं बेचा है। तो फिर मिस्टर विवान इन लोगों के पास उस पुराने घर की चाबी आई कहाँ से? मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। चलो विवान मान लिया कि तुमने ये घर किसी को बेचा नहीं, ना इस घर की चाबी किसी को दी, लेकिन इसके बारे में तो मालूम होगा, ये हड्डियों का ढांचा जो हमें उस घर में मिला ये कहां से आया है? जरूर किसी का खून हुआ है वहां पर, और हमें शक है ये खून तुमने ही किया है। खून? हाँ खून। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया, बल्कि मैं तो कई साल से उस घर में गया तक नहीं हूँ। तो फिर हड्डियों का ढांचा भी सालों से वहां पर पड़ा है। सर मैंने वो घर यूं ही खरीद के छोड़ रखा है, बस। घर खरीदा और छोड़ रखा, क्यों? जरा हम भी तो जाने। दरअसल मेरे और सरकार के बीच
उस घर को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। जिस दिन भी मैं वो मुकदमा जीत जाऊंगा उस जगह पर एक होटल बनाऊंगा। होटल बनाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये घर खरीदा किससे है? एक एनआरआई था, यहाँ पर रहता ही नहीं। तो फिर घर कैसे खरीदा? उसका एक एजेंट है, पैसों की सारी बातचीत उसी ने की, उसी ने दिलवाया मुझे ये घर। मैं तो उस एनआरआई से कभी मिला ही नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। मालिक की शक्ल तक नहीं देखी और उसकी जायदाद खरीद ली? अरे वाह अरे वाह। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसी के पास टाइम नहीं था सर। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इस पुराने घर में पहले से गड़बड़ थी, इसीलिए मालिक सामने नहीं आया, डीलर से बिकवा दिया। हाँ फ्रेडी, इस डीलर से मिलना चाहिए। सब गलत है सर, सारे पेपर्स नकली हैं। मैं किसी मीरपीर या उनके पिताजी कांतिलाल को नहीं जानता, और ये लॉयर ईशान कौन है जिसका नाम लिखा हुआ है? मैंने कभी इसका नाम पहले नहीं सुना। तो फिर इस घर का, मेरा मतलब इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? सर उस गेस्ट हाउस का मालिक मिस्टर विवान है। विवान, अब आप जरा ये फोटो देखिए, ध्यान से देखिए। इन लोगों को जानते हैं आप? मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को। ये बताइए इस घर का डील विवान के साथ किया किसने? मैंने सर। आपने? हाँ सर, मैंने ही खरीदवाया था। 6 साल पहले बहुत बड़ा सौदा हुआ था इस गेस्ट हाउस का। ये करीबन 2006 की बात है। इसके मालिक अक्सर बाहर रहते थे कनाडा में, इसलिए सारी बातचीत मैंने ही की। लेकिन अचानक कुछ हो गया, इसके बीच में बातचीत हो नहीं पाई, दिसंबर तक सौदा रोकना पड़ा। ये डील बीच में क्यों रोकनी पड़ी 4 महीनों के लिए? सर ये गेस्ट हाउस के मालिक की तरफ से थोड़ी परेशानी थी। कैसे? दरअसल ये गेस्ट हाउस उनके नाम पे नहीं था, उनकी बेटी के नाम पे था। बेटी के नाम पे? जी सर, इसलिए बेटी के नाम से अपने नाम पे करवाने में उन्हें थोड़ा सा समय लग रहा था। ये बंगला बेटी के नाम पे था। सर उस औरत का खून भी उसी टाइम पे हुआ। हाँ, 4 महीनों। ये पहला मालिक कौन था इस घर का? सर जयचंद। तो उसका नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर। सर, जयचंद के कनाडा के एड्रेस से पता चला है कि वो 2005 में इंडिया वापस आ गया था। और सर उनका एक घर भी है मुंबई में, कुलाबा में। कुलाबा में घर है उसका? यस सर। तो फिर जाओ जयचंद के कुलाबा वाले घर में जाकर के देखो, पता लगाओ इस पुराने घर का राज क्या है। हाँ शौर्य, मार्केट जा रहे हैं? कौन से मार्केट में? रोड्रम मार्केट। ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे आसपास ही होंगे, निश्चिंत होकर जाओ। सर जिसने भी शौर्य और आयशा को उस पुराने घर में बुलाया था जरूर कुछ सोच के बुलाया होगा, बिना मतलब के नहीं। हाँ वो चाहता होगा कि आयशा की याददाश्त वापस चली आए, और अगर उसकी याददाश्त वापस चली आई थी तो शायद वो उसे किस चीज के बारे में बता देगा जिससे उसका फायदा हो सकता। तब तो सर वो आयशा को नहीं छोड़ने वाला। नहीं छोड़ेगा वो आयशा, वो उससे फिर से मिलने आएगा, देखना। सचिव ये दो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा दिया भाई सब्जी? हाँ 40 रुपए किलो। तुम लोग चिल्लाना बंद कर वरना गोली मार दूंगा। रेडी रेडी के साथ गन डाल दो वरना मारे जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत कर, उड़ा दूंगा तेरे दोस्त को। चलो चल चलो काजल, दोनों को अंदर को, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, चुपचाप। तेरा भी होशियारी थी ना? कुछ नहीं। आज चुप जा। रुक जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, रुक जाओ। हेलो कंट्रोल रूम, ये नौकर बता रहा है कि जयचंद की मौत हो चुकी है, तो फिर पूछेंगे किसको? हाँ सर, उसकी पत्नी होती तो उसी से पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी पता कैसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? किस पुराने घर की बात कर रहे हैं आप? आपका जो पुराना घर है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप? मैं मीरा, जयचंद की बहन। जयचंद और उसकी पत्नी तो अब नहीं रहे। हाँ हमें मालूम है, आपके नौकर ने हमें बताया था, हम उस
पुराने घर के बारे में बात कर रहे थे। उस पुराने घर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है मुझे, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, कुछ ही दिन पहले कनाडा से आई हूँ। हाँ इतना पता है कि उस घर को लेके जयचंद और सिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। बाप और बेटी के बीच में? जी। किस बात को लेके प्रॉब्लम थी, आपको कुछ मालूम है? नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है मीरा जी, आप एक काम कीजिए, आप सिया को ही बुला लीजिए, उसी से हम पूछ लेंगे, उसे जरूर मालूम होगा कि उस घर में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सिया तो यहाँ नहीं है। नहीं है, फिर कहाँ गई? पता नहीं है, कुछ साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसने शादी कर ली थी, घर छोड़ के चली गई थी, आज तक वापस नहीं आई। सिया का फोटो तो होगा ना आपके पास? जी हाँ। तो लाइए। अभी लाती। कमाल है, जयचंद तो मर चुका है, उसकी पत्नी मर चुकी है और सिया का आता पता नहीं है, तो फिर पता किसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? ओ, तो ये है सिया। आदया, ये वही लोग पतली में जो अपहरण हुआ था इन्हीं लोगों ने किया था। हाँ, कंट्रोल रूम को गाड़ी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, गाड़ी शहर के बाहर जा ही नहीं सकती। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में संशय है। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है आयशा को, गोली छू कर चली गई है, सब ठीक हो जाएगा। क्या वजह हो सकती है जो वो लोग आयशा के पीछे पड़े, उस पर हमला किया उन्होंने? कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं तो सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे, पता चल ही जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी? अब आप लोगों ने बताया नहीं कि इनका पहले भी इलाज हो चुका है? पहले भी इलाज हो चुका है? कैसा इलाज? ये देखिए, इनके कमर के बाजू में जो जोड़ है उस जोड़ की हड्डी में भी एक छेद है, इनको पहले भी किसी ने गोली मारी है। क्या? जी सर। सर और तो और इनके इनके सर में भी एक चोट है, ये देखिए सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ओ, आयशा पर पहले भी किसी ने गोली चलाई है, उसके सिर के पीछे एक चोट का निशान है, इतना सब आयशा के साथ हुआ है फिर भी तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं, क्यों छुपा के रखा है? सर वो मैं दरअसल सर हम आपको बता नहीं जा रहे थे। डॉक्टर गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। आयशा के सिर के पीछे जो चोट का निशान है, ताय उसकी याददाश्त उसी चोट की वजह से गई है, वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है लेकिन बता नहीं पा रही है। मुझे तो शक है कि ये आयशा के असली माता पिता है ही नहीं। हम आयशा का और आप दोनों का डीएनए टेस्ट करेंगे। खून नहीं पे हुआ है सर, अभी भी कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा, अगर खूनी ने साफ नहीं किए होंगे तो। दिमाग पे जोर डाल के बोला करो विवेक, खूनी को गधा समझा क्या? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर खूनी को वक्त ना मिला हो सुराग साफ करने का, एसीपी सर हमेशा कहते हैं ना खूनी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं, मालूम है ना तुझे, हमें पहले भी यहाँ से एक लाश मिली है, अभी भी कुछ मिलेगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम वहां जाओ कॉरिडोर में और मैं किचन में जाता हूँ। यस सर। मैं यहीं पे हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ। अबे तू रो क्यों रहा है? तो मैं नहीं सर, कोई और है। तूने सुनी आवाज? हाँ सर, वो आत्मा। एक लड़की की आत्मा है, मेरे आसपास ही मर रही है। हेलो हेलो हेलो, फिर से होने की आवाज। अरे
रोना बंद हो गया? रेडी साहब, रेडी साहब, आया, रेडी साहब। अरे ये क्या हो गया? आत्मा ने तुझे दीवार में घुसा दिया। मैं कह रहा था ना, आत्मा से कभी पंगा मत लेना। अरे क्या हो गया? मैं सब आपको बाद में बताता हूँ सर। सर यहाँ अंदर बहुत बदबू आ रही है सर। गाड़ी है जिसके बारे में आयशा ने जिक्र किया था हमसे, मतलब ये वही लड़की है जिसको मरते हुए आयशा ने देखा था सर। डीएनए टेस्ट? नहीं, मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। देखो आयशा, हमें शक है कि तुम्हारे माता पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी का कुछ याद भी नहीं है, तो फिर ये टेस्ट तो करवानी ही पड़ेगी। आप लोग ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या आपको पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा? पता है ना आपको, फिर क्यों आप? मेरा शक सही था ना, तुम दोनों आयशा के असली माता पिता नहीं हो। वैसे भी डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, अब सच्चाई छुपाने से कोई भी फायदा नहीं। अरे सीआईडी वाले हैं, हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें इनको सब पता चल ही जाएगा। बाबू क्यों, ये सच है, हम इसके असली माँ बाप नहीं। डैडी आप क्या कह रहे? ये सच है बेटी, 5 साल पहले ये हमें सड़क पर मिली थी, एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी हुई। इसे सर से बेतहाशा खून निकल रहा था और इसे हम उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब इसे होश आया तब इसे कुछ भी याद नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम इसे घर ले आए। इसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? की थी, पर हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर अखबारों में या फिर टेलीविजन चैनल्स पर इसकी फोटो दे देते। फोटोग्राफ हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें लगा कि इसकी फोटोग्राफ देखकर इसका दुश्मन इसे पहचान लेगा और इसे अगवा कर इसे जान से मार देगा। इसलिए हमने चुप रहना ही ठीक समझा और बाद में इसकी शौर्य के साथ शादी करा दी। डॉक्टर साहब, आयशा का अच्छी तरह से ध्यान रखना, सीआईडी वालों के अलावा इसे किसी भी मिलने की इजाजत नहीं है। बाहर हमने एक पुलिस वाला भी रखा है निगरानी के लिए। वैसे भी हमें जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, और आप चलिए दिखाइए हमें वो एक्सीडेंट कहां पर हुआ था। आसार उनके लो भाई, सोनाली इसका चेहरा लगभग बन गया है। आसार उनके क्या बोला तुम्हारे इस कंकाल ने? बोला, अरे इसने तो गाना गाया। गाना गाया? कैसा गाना? यही कि आयशा जो बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है, ये कंकाल एक औरत का है और इसकी मौत गोली लगने से हुई। एनीवे ये देखो, ये इसका चेहरा। वाह सर, हमारे आने से पहले आपने चेहरा बना दिया। तुम मुझे समझते क्या होता है? एनीवे देखो चेहरा, देखो लगता है ये चेहरा मैंने पहले कभी देखा है। सर कंप्यूटर पर हमने इस चेहरे को और साफ करने की कोशिश की, इस लड़की का चेहरा कुछ ऐसा लगता है। माय गॉड, ये तो सिया है, सिया, जयचंद की बेटी सिया, पुराने घर के मालिक जयचंद की बेटी। ऐसी सिर्फ दो ही घड़िया बनी है। सिर्फ दो ही घड़िया? सिर्फ दो ही घड़िया। और तो और, जिस तारीख को ये घड़ी बनी है वो तारीख भी घड़ी के केस के पीछे एंग्रेव की गई है। देखो सर, 19 जुलाई 2003, और ये घड़ी सिर्फ एक ही घर में बेची गई है। किसके साथ? विवान ने खरीदी है ये दोनों घड़िया।
और अब जाकर के चुप के बैठा है कोने में। सो आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है। आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है? यस सर। ओह, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिस औरत का खून होते हुए आयशा ने देखा वो औरत सिया ही है, खूनी विवान ही है। हेलो, क्या क्या हुआ? हाँ, आयशा को कुछ गुंडे उठा के ले गए। तो वो लोग विवान के आदमी होंगे सर। विवान? अब ये विवान हमारे हाथों से बच नहीं सकता। सचिन, जल्दी चलो, विवान को किसी भी हालत में पकड़ना चाहिए, कहीं आयशा को मार दो। ये सर। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ बोलो। हाँ, एसीपी प्रद्युमन। हाँ सफेद वैन, अब बिल्कुल वही नंबर है। कहाँ पर? ओके सचिन, वो वैन मिल गई है, घुमरी गली में। गली? उसमें जो गुंडे हैं से पता चलेगा ये विमान कहाँ पर। जल्दी चलो, घुमरी गली। हाँ सर। मैं तो कहता हूँ शहरी छोड़ देते, जब मामला रफा दफा हो जाएगा फिर आ जाएंगे। और बाकी के पैसे कौन देगा अब? बाकी का पैसा हम देंगे। तुम में से कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने भी अपनी जगह छोड़ी तो समझो तुम्हारी टांगे हमने तोड़ी। अब बताओ, बताओ कहाँ पे रखा है आयशा को? बताओ, भाग मत। जाओ, अपने दोस्त को उठा कर लाओ। जाओ जल्दी, उठाओ, उठ, उठाओ उसे जल्दी। भाई, भाई मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। इधर आओ, इधर आओ जल्दी। सब गोली मत मारना साहब। क्या पूछा था मैंने? आयशा को कहाँ छुपा कर रखा है? अब जल्दी बताओगे या फिर सिर में गोली डाल दो? नहीं साहब। बताओ। चोपला हाउस। क्या? चोपला हाउस। चोपला हाउस। मुझे मारना है तो मार डालो, मगर मुझे मार मार मैं कह के निकल गई हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। झूठ, एक झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वाकई में कुछ याद नहीं है। तू नाटक कर रही है, मुझे मालूम है कि तुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ होते हुए देखा ये तो याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं। तुझे वो हड्डियों का ढांचा मैंने रखवाया, वो नकली पेपर मैंने भिजवाए ताकि तुझे ही याद आ जाए, मगर तुझे कुछ याद ही नहीं आया। इम्पॉसिबल। नहीं पता है मुझे, तुझे सब कुछ याद आ चुका है, मगर तू भूलने का नाटक कर रही है। बोलो पेपर्स कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा। Enough! अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे बेवकूफ मत बना। बता। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स कहाँ है नीना? वो पेपर्स कहाँ है नीना? कौन नीना? तू नीना, तू मेरी पागल बीवी की केयर टेकर, तू उसका खून होते हुए देखा तूने, और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर भाग गई तू नीना, तू। नहीं, नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मरने के लिए तैयार हो जा, जा जहन्नुम में।
बचाओ, मुझे बचाओ सर, यही खुनी है, ये मुझे भी मार डालना चाहता था सर। घबराओ मत आयशा, कुछ नहीं होगा, आप तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे पेपर चाहिए, मुझे मेरे पेपर दे दे, मुझे मेरे पेपर दे दे। मुझे तेरे पेपर से हाँ। मुझे मेरे पेपर चाहिए। मुझे तेरे पेपर्स में देता हूँ। बताओ क्यों मारा तुमने अपनी बीवी सिया को? जायदाद के लिए मैंने मार डाला उसे। जायदाद? पर जायदाद तो सिया के नाम पर ही थी ना, और सिया तो तुम्हारी बीवी थी, इसका मतलब है जायदाद तो तुम्हारे घर में ही थी, फिर क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं ये चाहता था कि सारे की सारी जायदाद सिर्फ मेरे ही नाम पर हो जाए, राजा महाराजाओं की तरह रहूं मैं। राजा महाराजा, वाह रे वाह, सपने ऊंचे ऊंचे मगर सोच गिरी हुई। लेकिन तुम आयशा के पीछे क्यों पड़ते? इसका नाम आयशा नहीं, नीना है, और जायदाद के सारे पेपर इसी के पास है। ये भी आई थी सिया के साथ उस दिन जब मैंने सिया को इस घर में बुलाया था। उस रात सिया को मैंने धोखे से उस घर में बुलाया। आज यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैंने उससे कहा कि जो वो घर खरीदने वाला है वो उस घर में इंतजार कर रहा है। दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो, हटो, जाने दो, जाने दो ना। ये दरवाजा तो अब तेरी मौत के बाद ही खुलेगा। ऐसी किसे बात कर रहे हो? जानते नहीं हो क्या? ये इस घर की मालकिन है। अरे मालिक तो अब हमारे यहाँ के बॉस होंगे। मैडम सामने से कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ छीनना पड़ता है, समझे? चल जल्दी साइन टेबल पे साइन कर, दरवाजे बंद दे, चल। चुपचाप खड़ी रहने दे, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा तेरे को। मेरे आदमियों ने सिया से जबरदस्ती उस घर के कागजात पर साइन करवाए, उसमें लिखा था कि सारी की सारी जायदाद हो गया साइन, वो मेरे नाम पर कर रही है। अचानक सिया वहां से भाग निकली। रुक जाओ, मेरे एक आदमी ने उसका पीछा किया और उस पर गोली चलाई। और मेरा दूसरा आदमी जो नीना और पेपर्स को लेकर वहां से निकला था अचानक गायब हो गया। और तुम्हें लगा कि ये सारे पेपर्स लेकर भाग गई है ना? हाँ। और अचानक 5 साल बाद ये मुझे शौर्य के साथ एक बिजनेस मीटिंग में मिली, मगर इससे मुझे पहचाना ही नहीं। ये देख के तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा ना? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कई बार उन गुंडों को भी इसके सामने भेजा जिन्होंने सिया को मार डाला था, मगर इसने उन्हें भी नहीं पहचाना। इसलिए तुमने ये सारा ड्रामा रचा? हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि सचमुच इसकी याददाश्त चली गई है या ये सिर्फ नाटक कर रही है। मगर मेरे ही आदमियों ने मुझे फंसा दिया। ना वो लोग सिया को मार कर इस घर में डालते, ना आप लोगों को वो स्केलेटन मिलता, और ना चाहे कितनी भी कोशिश करो, किए हुए पाप सामने आते ही हैं। इस घर में वापस आ गए ना, जिसके लिए सिया का खून किया, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।